बच्चों, इस प्रॉब्लम में ये कह रहा है कि द टॉर्सिलेज बैरोमीटर यूज्ड मर्करी। ठीक है, जो टॉर्सिलेज है उसके बैरोमीटर में हम मर्करी यूज करते हैं। पास्कल डुप्लीकेटेड इट यूजिंग फ्रेंच वाइन ऑफ डेंसिटी दिस। अब पास्कल ने क्या है कि इसी में ही उसने क्या मॉडिफिकेशन कर दिया कि वहां पे मर्करी की जगह पे उसने ये वाइन, फ्रेंच वाइन यूज कर लिया। तो डिटरमाइन द हाइट ऑफ द वाइन कॉलम फॉर द नॉर्मल एटमोस्फेरिक प्रेशर, यानी कि नॉर्मल एटमोस्फेरिक प्रेशर के रेस्पेक्ट में हाइट क्या होगी उस वाइन कॉलम में। तो देखिए, सॉल्यूशन में हम इसको देखते हैं कि इन सॉल्यूशन हमें पता है कि यहाँ पे जो डेंसिटी देगी दे रखी है वो किलोग्राम पर मीटर क्यूब में दे रखा है। तो डेंसिटी ऑफ मर्करी विद रेस्पेक्ट टू वाटर वो आपका कितना होता है, 13.6 × 10⁻³। ये भी आपका क्या हो जाएगा, केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, और इसका जो हाइट कॉलम होता है विद रेस्पेक्ट टू एटमोस्फेयर वो आपका कितना हो जाएगा, 0.76 मीटर। ये आपका हाइट हो गया मर्करी, ये आपका एच जी हो गया। ठीक है, दिस इज डेंसिटी ऑफ एच जी। नाउ अगर इसकी जगह पे हम फ्रेंच वाइन यूज करें तो उनके बीच में जो प्रेशर इक्विलिब्रियम होगा वो क्या होगा कि देखो, मर्करी के केस में ये हमारे पास जो एटमोस्फेरिक प्रेशर जो हाइट कॉलम आती थी वो इतनी आती थी विद रेस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, और आपके पास जो इसकी डेंसिटी है वो रिलेटिव टू वाटर इतना आपके पास ये आता है। नाउ यहाँ पे हम प्रेशर, दोनों के प्रेशर को अगर इक्वल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बेसिकली यहाँ पे क्या कर दिया हमने, मीडियम चेंज कर दिया। तो मीडियम चेंज करेंगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रेशर इक्विवेलेंस होगी या प्रेशर यहाँ पे इक्विलिब्रियम होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। ये आपका हो जाएगा फ्रेंच वाइन। ठीक है, ये डब्ल्यू, यहाँ पे इसकी वैल्यू आपको पता है, ये होगा आपका एच एच जी रो जी, ये भी आपका एच जी हो जाएगा इक्वल टू ये फ्रेंच वाइन, वाइन का डेंसिटी इंटू हाइट ऑफ वाइन इंटू जी। तो यहाँ पे बेसिकली आपको हाइट ऑफ डब्ल्यू ही कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे आपके पास सारी वैल्यू दे रखी है तो वहां पे हम क्या कर देते हैं, सारी वैल्यू को यहाँ पे रख देते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास एच रो जी अपॉन, ये हो जाएगा आपके पास रो डब्ल्यू इंटू एच डब्ल्यू सॉरी जी डब्ल्यू जी। तो ये आपका जी से जी कैंसिल हो गया, यहाँ पे जस्ट सारी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। ये हो जाएगा 13.6 × 10³, और यहाँ पे आपका जो एच है वो ये देगा 0.76। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास जो इसकी वैल्यू देखी वो देखिए आपके 984। तो जब आप इन वैल्यू को सॉल्व करोगे तो आपके पास जो वाइन की यहाँ पे आपके पास जो हाइट आ जाएगी वो 10.5 मीटर आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका एटमोस्फेरिक प्रेशर के नॉर्मल एटमोस्फेरिक जो प्रेशर है उसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइट यहाँ पे वाइन की कितनी आ जाएगी, 10.5 मीटर। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।